हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीके ट्रिक्स। फ्रेंड्स, इस वीडियो राजस्थान करंट अफेयर से संबंधित 100 प्लस क्वेश्चंस के बारे में, जो कि राजस्थान के लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर से संबंधित हैं, और ये हमारा सेकंड पार्ट है इस सीरीज का। तो अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो चैनल को विजिट करके वो भी देख सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके आगामी एग्जाम, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम हो या असिस्टेंट इंजीनियर का एग्जाम हो, आपको यहाँ से काफ़ी अधिक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। अगर फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर जरूर करें। अब क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, राजस्थान के दीपक चाहर ने 8 जुलाई 2018 को किस टीम के विरुद्ध T20 मैच खेलते हुए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण किया? तो इन्होंने किया इंग्लैंड के खिलाफ खेलते हुए। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जैसलमेर के झिंझिनवाली निवासी महिपाल सिंह भाटी का निम्न में से किस टीम में चयन किया गया? तो इनका चयन किया गया भारतीय बास्केटबॉल टीम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समेकित बाल विकास सेवाएं राजस्थान को प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में अच्छा कार्य करने के लिए कौन सा पुरस्कार 7 सितंबर 2018 को प्रदान किया गया? तो ये किया गया फर्स्ट पुरस्कार। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर ध्यान रखें। राजस्थान को फर्स्ट पुरस्कार मिला है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में अच्छा कार्य करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, प्रथम राज्य स्तरीय स्काउट गाइड प्रतियोगिता का आयोजन 8 से लगाकर 10 सितंबर 2018 कहाँ पे किया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, जयपुर में। राजस्थान में 1 मई 2018 से शुरू राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार अभियान के दौरान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा कौन सा अभियान चलाया गया है? तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर ध्यान रखें। तो ये अभियान चलाया गया मेरा गांव स्वस्थ गांव। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। इसका जरूर ध्यान रखना कि 1 मई 2018 को इसकी शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, 21 जून 2018 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर कोटा में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में कितने लोगों ने एक साथ योग कर गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज कराया? तो ये 1,05,000 लोगों ने यहाँ पर शामिल होकर गिनीज वर्ल्ड बुक में रिकॉर्ड दर्ज करवाया। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर ध्यान रखें। और इसका आयोजन कहाँ हुआ था? कोटा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रदेश सरकार ने अनुमानित निदान और मौसमी व गैर संक्रमणीय बीमारियों के साथ साथ विशिष्ट क्षेत्रों में पाई जाने वाली बीमारियों की निगरानी के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर मई 2018 में लॉन्च किया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह सकता हूँ, इसका जरूर ध्यान रखना आप। ये किया है निदान सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, सितंबर 2018 में राजस्थान को मिले पुरस्कारों में निम्न में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? तो देखते हैं, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में ग्रीन टेक्नोलॉजी वर्कर्स कैटेगरी में पुरस्कार सही है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए हनुमानगढ़ जिले सम्मानित, तो ये गलत है। नेक्स्ट दे रखा है, महात्मा गांधी नरेगा में प्रभावशाली प्रदर्शन के लिए अजमेर व झालावाड़ जिले को सम्मान मिला है, तो सही है। और प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए बांसवाड़ा जिले को सम्मान मिला है, तो ये भी सही है, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। ठीक है, इसका आप जरूर ध्यान रखना कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में सर्वश्रेष्ठ जो प्रदर्शन के लिए किसको सम्मान मिला है? तो बांसवाड़ा जिले को सम्मान मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ब्रिटेन की किस संस्था ने डिजिटल गवर्नेंस के क्षेत्र में योगदान के लिए मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को विश्व की 100 सबसे प्रभावशाली हस्तियों की सूची में शामिल किया है? तो ये किया है ब्रिटेन की अपॉलिटिकल संस्था ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए भामाशाह टेक्नो हब का उद्घाटन 23 अगस्त 2018 को कहाँ पे किया है? तो ये क्या है, जयपुर में। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन की आपको काफ़ी अधिक बार रिपीट हो रहे हैं, तो अब तक तो आपको ये याद हो जाना चाहिए, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं इसको बोल सकता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, कोटा के किस वन्य जीव प्रेमी को रेस्क्यू कार्यों में मदद के लिए अमृता देवी विश्नोई पुरस्कार 2016 के लिए प्रदान किया गया है? तो मैंने जो लास्ट वीडियो था उसमें बताया था आपको, जो 2016 में किन किन को अमृता देवी वन्य जो ये स्मृति पुरस्कार दिए गए हैं, तो ये दिया गया है जो रेस्क्यू कार्यों के लिए मदद करने के लिए। ऑप्शन नंबर इसका सही है आंसर,
सेकंड गोविंद शर्मा को, ठीक है, तो इसका जरूर ध्यान रखें। और ये कहाँ के हैं, तो ये है कोटा के, इसका जरूर ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, प्रदेश का पहला केमिकल बायोलॉजिकल रेडियोलॉजिकल न्यूक्लियर सेंटर कहाँ खोला गया है, कहाँ खोला गया है, तो ये खोला गया है कोटा में, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष कैलाश मेघवाल ने राजस्थान विधानसभा की गृह समिति का वर्ष 2018-19 के लिए सभापति किसे नियुक्त किया है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है, प्रताप सिंह सिंघवी को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, राजस्थान सरकार ने जोधपुर स्थित राजस्थान संगीत नाटक अकादमी के अध्यक्ष पद पर 31 मई 2018 को किन्हें मनोनीत किया है, तो ये किया है अशोक पांड्या को, सेकंड नंबर ऑप्शन इसका सही आंसर है। राजस्थान के नए मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पद पर निम्न में से किसने 31 अगस्त 2018 को पदभार ग्रहण किया, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोल सकता हूँ क्योंकि अभी राजस्थान में चुनाव भी आ रहे हैं, तो इसका आप जरूर ध्यान रखें, ऑप्शन नंबर सेकंड सही आंसर है, आनंद कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज्य सरकार ने 29 जून 2018 को आदेश जारी कर आयोजना विभाग के प्रमुख शासन सचिव अखिल अरोरा को निम्न में से किसका महानिदेशक नियुक्त किया है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका सही आंसर है भामाशाह प्राधिकरण, सेकंड नंबर ऑप्शन सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, केंद्र सरकार ने अल्पसंख्यक मामलात विभाग द्वारा कोलगांव कोलगांव में मौलाना आजाद एजुकेशन फाउंडेशन नाम से उच्च शिक्षण संस्थान की स्थापना की जाएगी, ये जो कोलगांव है ये कहाँ पर स्थित है, तो ये कोलगांव स्थित है किशनगढ़ वास अलवर में, तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, कार्मिक विभाग ने किस वरिष्ठ आईएएस अधिकारी को राजस्थान लोक सेवा आयोग के 32वें अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है, तो किन्हें नियुक्त किया है, ये किया है दीपक उप्रेती को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ये जरूर ध्यान रखना, कब किया है, तो ये किया था 21 जुलाई 2018 को। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, मैनचेस्टर में छह से लगाकर 16 जुलाई 2018 को संपन्न विश्व बधिर शतरंज प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाली स्वाति जांगिड़ का संबंध राजस्थान के किस जिले से है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका जरूर ध्यान रखना, स्वाति जांगिड़ का संबंध है अजमेर जिले से, ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, कैंसर रोग के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से कौन से अभियान का शुभारंभ मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने 11 मई 2018 को किया था, तो ये किया था कैंसर आउट अभियान, ऑप्शन नंबर थर्ड इसका सही आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, 18वें एशियाई खेल 2018 कहाँ पे हुए थे, ये हुए थे जकार्ता प्लेमबंग इंडोनेशिया में संपन्न हुए थे, ठीक है, तो इसमें राजस्थान के खिलाड़ियों के प्रदर्शन में के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, तो यहाँ पर सभी कथन पढ़ने होंगे हमें, राजस्थान की ओम प्रकाश नौकायन स्कल्स स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले टीम में के सदस्य थे, सही है, अपूर्वी चंदेलना ने रवि कुमार के साथ मिलकर 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में कांस्य पदक जीता, ये भी सही है। नेक्स्ट कथन दे रखा है, प्रदेश के रजत चौहान भारत की तीरंदाजी पुरुष कंपाउंड टीम रजत पदक विजेता रहे थे, तो तीनों के तीनों कथन सही है, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4 डी। तो फ्रेंड्स यहाँ जो तीनों कथन दे रखे हैं इनका आपको जरूर ध्यान होना चाहिए, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, काफी अधिक बार रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कितने शिक्षकों को राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार से 5 सितंबर 2018 को सम्मानित किया, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर ध्यान रखें, ये किया था उन्होंने 36 शिक्षकों को, तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, ट्रेवल्स एंड लीजर ने वर्ष 2018 में के सर्वे में प्रदेश के किस शहर को विदेशी पर्यटकों के लिए एशिया का पहला व विश्व का तीसरा पसंदीदा शहर का स्थान दिया है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर ध्यान रखें, ये है उदयपुर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, नीति आयोग द्वारा तैयार तथा 14 जून 2018 को जारी समग्र जल प्रबंधन सूचकांक है के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा सही है वो देखना है यहाँ पर, तो देखते हैं,
गैर हिमालय राज्यों को की श्रेणी में राजस्थान को सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ है, तो ये गलत है। सूचकांक में वृद्धि संबंधी बदलाव के संदर्भ में 2015-16 स्तर पर मैं सभी राज्यों में राजस्थान को प्रथम श्रेणी पर रखा गया है, तो ये जो सेकंड नंबर है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन।